नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। साइज हमारा 30 इंच का है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो 30 इंच का साइज है, तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेंगे। तो लंबाई हमारा 13 तैयार है, 13 इंच। तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये देखिए यहाँ पे। तो हमको लंबाई ज़्यादा चाहिए, 13 इंच हमारा तैयार है, यहाँ पे हमने 2 इंच लिए। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, ये देखिए यहाँ से। और हम गला रखेंगे 2 इंच, ये हमारा 30 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पे हम 2 इंच के रखेंगे। इसमें हम आर्म होल रखेंगे 5 इंच, तो यहाँ पे हमारा 5 इंच आ रहा है। तो हम 5 इंच पे इस तरफ से निशान लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम चेस्ट देखेंगे। तो 30 का 1/4 हमारा 7.5 इंच आएगा, तो 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 9.5 इंच, यहाँ से हमारा 9.5 इंच यहाँ पे आएगा। अब इसको लाइन को हम सीधा कर देंगे, ये देखिए। अब हम कमर की तरफ चलते हैं। कमर हमारा 28 इंच का है, 28 का 1/4 हमारा 7 इंच आएगा, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे। तो हम आपको ये चेस्ट के बारे में बताएं कि हमारा 30 इंच का चेस्ट है, 30 का 1/4 हमारा 7.5 इंच है, 2 इंच हमने मार्जिन रखा। तो कमर हमारा 28 इंच का है। तो कोई कोई ब्लाउज में क्या रहता है, चेस्ट ज़्यादा रहता है और कमर बहुत कम रहता है, और कोई ब्लाउज में कैसा कमर और चेस्ट बराबर रहता है, 1 इंच का डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए आपको इसका काउंट करना है, आपका कमर जितना भी रहेगा उसका आपको 1/4 लेना है। 1/4 में यहाँ पे हम लेंगे एक भाग और 2 इंच लेके हम मार्जिन रखेंगे, तो ये देखिए हमारा 7.5 इंच और 7 इंच। तो यहाँ पे हमारा ये फिटिंग ना पाएगा, यहाँ पे हमारा कटिंग नहीं होगा, हम यहाँ ऐसा निशान लगा दे रहे हैं ताकि हमको मालूम पड़े। अब ये देखिए हमारा यहाँ से कटिंग होगा, ये हम जो मार्जिन रखे थे। अब हम चलते हैं गले की तरफ। तो गला यहाँ से हम रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे और हम 2 इंच लेंगे यहाँ से, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब ये देखिए ये आरमोल हमारा है, तो आरमोल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे, कहाँ से, यहाँ पे हमने शेप नहीं दिए हैं, यहाँ से 1 इंच ऊपर हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और आधा इंच हम इस तरफ से आएंगे, ये देखिए। तो आधा इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो हमने यहाँ से आर्महोल के 1 इंच ऊपर गए और आधा इंच हम यहाँ पे गए। अब यहाँ से हमने 1 इंच लिए, यहाँ से आधा इंच लिए। अब इसको हम शेप में ऐसा लाएंगे, ये देखिए ला के हमको इसमें मिला देना है, ये देखिए इस तरफ से हमारा, यहाँ से 1 इंच हम ऊपर लिए, आधा इंच यहाँ लिए, ऐसा शेप में हम ला के यहाँ पे मिला दिए, तो हमारी प्रिंसेस कट में इस तरफ से कटिंग होगी। अब ये देखिए ये जो शोल्डर है इसका हमको हाफ करना है, ये देखिए ऐसा हाफ करके हमको, अब यहाँ पे हम सीधा ऐसा निशान लगा देंगे, इसको सीधा पट्टी रखेंगे इस तरफ से। अब इस तरफ से हम ऐसा निशान लगा देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट किधर आता है उतना हम लेके, तो ये हमारा डॉट पॉइंट 9 इंच है, तो चेस्ट हमारा 30 इंच का है, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है, तो ये देखिए 9 इंच पे हम निशान लगा दिए, 1 इंच हम नीचे की तरफ से, ये देखिए। अभी लाइन को हम सीधा कर देंगे, ये लाइन को हमने सीधा कर दिए। अब यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे, ये देखिए 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे निशान लगा देंगे, और यहाँ पे कमर की तरफ हम 1.5 इंच यहाँ बढ़ा देंगे, ये देखिए।
यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ा दिए। अब ये लाइन को हम ऐसा क्रॉस मिलेंगे इस तरफ से। प्रिंसेस कट में कैसा रहता है, यहाँ पे हम 1.5 इंच का जब टक्स लगाते हैं तो 1.5 इंच हमको यहाँ पे रखना रहता है साइड में, तो ये हमारे ऐसे आ जाता है बरोबर। ठीक है, अब इसमें हमको सेप देना है, तो ये जो 1.5 इंच है तो यहाँ से हम ऐसा राउंड में सेप लाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरफ से लाएंगे ऐसा करके, और हमको इसमें मिलाना है 1.5 इंच में। ये देखिए, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे लेके यहाँ पे जाएंगे। ये जो हमारा 9 इंच का डॉट पॉइंट है तो यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, जो 1 इंच हम नीचे आए तो यहाँ से हम इसको इस तरफ से लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हमारा यहाँ से निशान लगेगा। ये देखिए, अब इसको हम इस तरफ से शेप देंगे। तो देखिए हमने कहाँ से निशान लगाया, ये जो हम बीच का सेंटर लिए, यहाँ से हमने यहाँ पे 1 इंच लिए और यहाँ से 1 इंच यहाँ पे लिए, तो इसको हम ये लाइन पे लाए, यहाँ से लिए हैं, ये हमारा कट के निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गले पे इस तरफ से शेप लगा देंगे। ये देखिए, आइए हमारा जो शोल्डर गिरता है यहाँ पे, हम हर ब्लाउज में इसको ऐसा हल्का सा छाड़ देंगे क्रॉस में। ठीक है, अब इसका हम कटिंग कर देंगे। तो ये जो हम कटिंग बता रहे हैं प्रिंसेस कट, ये कुछ अलग है। ठीक है, सब प्रिंसेस कट से ये अलग है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, आप घर बैठ के सीखिए। कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या हमें फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है, आप उस पर हमको कमेंट करें। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, भगा भगा के मत देखिए, भगा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप आधा ही देखेंगे, आधे में कुछ समझ नहीं आता है, आपको फुल वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो देखिए, अब यहाँ से हमने क्रॉस में ले लेंगे, ये जो हम 1.5 इंच बढ़ाए थे तो हमारा टक्स लगेगा तो बराबर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है 10 ही मिनट का रहता है, आप 10 मिनट अपना टाइम दे सकते हैं, तो आप देंगे तो बहुत अच्छी की बात है कि आप सीख लोगे घर बैठे। कुछ प्रॉब्लम है तो हम तो हैं बताने के लिए, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अगर हम कॉल नहीं उठा रहे तो हम आपको बाद में भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। और ये जो हमारा ये टक्स है, ये हमारा इस तरफ से कट के निकल जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम ये पॉइंट दे देंगे, क्योंकि पॉइंट पे हमको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, तो इसका भी पॉइंट हमको देना है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ रहा है। ये देखिए, तो ये पॉइंट इस पर मिलेगा, तो ये पफ बन के आता है। ये देखिए, तो ये हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है, हमने कर दिए हैं। और ये देखिए, अगर आपको यहाँ बटन पट्टी हुक पट्टी नहीं चाहिए, आप पीछे भी लगा सकते हैं। ज़्यादा करके प्रिंसेस कट की कटिंग जो होता है वो पीछे हम लगाते हैं हुक बैग, तो ये जिसको चाहिए यहाँ पे बीच से कटिंग कर देंगे। और नहीं अगर आपको चाहिए तो ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, इस तरफ से इसकी स्टिचिंग होगी। तो हम जो पॉइंट दिए हैं ये पॉइंट पर आएगा यहाँ से। ये देखिए, तो इस तरह से प्रिंसेस कट की कटिंग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठ के एक्सपर्ट बन जाओ, ये मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद आप कपड़े पे कटिंग कीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जाके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।